हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं NIOS क्लास 10th का प्रैक्टिकल डाटा एंट्री की प्रैक्टिकल फाइल। बहुत दिनों के बाद वीडियो आ रही है ये आपके लिए। मैंने बताया था रीज़न, मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे, इस वजह से मैं आपके लिए वीडियोस नहीं लेके आ पा रहा था। लेकिन अब जो है मेरे एग्ज़ाम ओवर हो चुके हैं, तो आपकी रेगुलर क्लासेस भी चला करेगी और प्रैक्टिकल फाइल भी आपको सॉल्व मिलती रहेंगी। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को एंड तक देखना। बाकी PDF तो मैं आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल करवा दूंगा। वीडियो आप पहले देख लेना, उसके बाद आप PDF टेलीग्राम से डाउनलोड करना, ताकि आपको पूरा का पूरा जो है एक एक चीज़ आपको समझ में आ जाए और कोई भी मिस्टेक आप ना करो। क्योंकि कुछ बच्चों के अभी भी डाउट है कि प्रैक्टिकल किस टाइप से करने हैं, क्या करने हैं, तो वो आपको अभी समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हमारा प्रैक्टिकल 1, एक्सपेरिमेंट 1, हमारा प्रयोग 1। और ये वीडियो इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में भी आपके लिए आ जाएगी, PDF आपको मिल जाएगा, तो आप भी देख लेना। कुछ चीज़ें हैं जो आपको बतानी है अभी, तो वीडियो को पूरा का पूरा देखना, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, PDF आपको मिलेगा। चीज़ें वही है, बस ये हिंदी में है, इसको मैं इंग्लिश में कन्वर्ट करूँगा और उसके बाद आपको दे दूँगा। तो स्टार्ट करते हैं पहला प्रयोग हमारा, कंप्यूटर क्या है। तो यहाँ पर अब मैंने पूरा का पूरा कंप्यूटर जो है इसमें सॉल्व कर रखा है, कंप्यूटर के बारे में यहाँ से लेके आपको, एक मिनट, हाँ यहाँ से लेके आपको यहाँ तक कंप्यूटर की डेफिनेशन मिल जाएगी, कंप्यूटर के बारे में मिल जाएगा। कंप्यूटर को पूरा एक्सप्लेन कर रखा है, क्या क्या उसका काम होता है, क्या क्या चीज़ होती है, ये सारी चीज़ें इसमें दे रखी है। उसके बाद इसकी क्या क्या विशेषताएं होती है, मुख्य विशेषताएं, ये आपको लिख लेना है। ये आपको लिखना है ब्लैक पेन से और ये ब्लू पेन से लिखना है। अगर आप कलर्स का भी यूज़ करना चाहते हो तो कलर्स भी यूज़ कर सकते हो। और फाइल जो है, आप जो है कॉपी वाली प्रैक्टिकल फाइल जो आती है 40-50 रुपए की, वो भी ले सकते हो। और शीट्स में बनाने चाहते हो अलग प्रैक्टिकल शीट जो आती है, एक साइड प्लेन और एक साइड ऐसे लाइनिंग रहेगी लिखने के लिए, ऐसे वाली आपको यूज़ करनी है, ठीक है। और एक एक चीज़ को अच्छे से क्लियरिफाई करके लिखना है आपको, कोई अच्छे, जितनी अच्छी राइटिंग हो सके उतनी अच्छी राइटिंग में लिखना है आपको। और कोई भी काट पीट से बचना है आपको, मिस्टेक वगैरह कहीं हो तो उससे बचना है। जितना ज़्यादा हो सके आपको करेक्शंस नहीं करनी है, सिंपल बिल्कुल साफ़ सुथरा लिखना है, ताकि आप वो फाइल जो है आपकी अट्रैक्टिव लगे, ठीक है। तो मैंने बताया आपको क्या ब्लैक पेन से लिखना है। और यहाँ पे जो है, ये जो हमारा ब्लैंक पेज रहेगा, इस साइड आपको डायग्राम्स वगैरह होगी, इससे रिलेटेड पिक्चर्स वगैरह जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो सारी पेस्ट करनी है। तो ये PDF जो है मैंने हिंदी मीडियम में बनाया, और ये हिंदी मीडियम का PDF मेरे फ़ोन में बनाया है मैंने। तो ये इसमें कुछ चीज़ें जो होंगी, जैसे पिक्चर्स वगैरह है, वो थोड़ी छोटी छोटी सी लगी होंगी कहीं पे, और कहीं कहीं छोटी आ रही थी, मैंने डाउनलोड करी थी, तो इस वजह से मैंने सारी पिक्चर्स नहीं डाली है। कहीं कहीं पे पिक्चर्स डाली है और कहीं कहीं पे नहीं डाली है, तो आपको डाउनलोड कर लेनी है, या फिर आपको नहीं मिलती तो आप मेरे को बता देना, मैं आपको अवेलेबल करवा दूँगा। आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर के कार्य क्या क्या होते हैं। यहाँ पर उसके कंप्यूटर के कार्य बता दिए मैंने, ये कार्य हो गया। यहाँ पे ये आपको ब्लैक पेन से लिखना है, कंप्यूटर के कार्य हेडिंग जो है ये हेडिंग बनेगी आपकी ब्लैक पेन से, और बाकी ये सारा आपका ब्लू पेन से लिखना है। ये वाला फर्स्ट वाला प्रैक्टिकल आपका शायद थोड़ा सा लेंदी होगा, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे, हमारा परिधीय उपकरण, ठीक है। तो ये जितना भी रेड मार्क से लिख रखा मैंने रेड कलर से, ये आपको ब्लैक पेन से लिखना है, बाकी का जो है आपको ब्लू पेन से लिखना है। अगर आप इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखना चाहते हो तो मॉडिफाई करके भी लिख लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे परिधीय उपकरण निम्न है, अब यहाँ पे दे दिया आपको उपकरण कौन कौन से हैं। अब यहाँ पे इनपुट उपकरण लिखा हुआ है, आप इसको भी ब्लैक पेन से लिखना और अंडरलाइन कर देना इसको, या फिर आप जो ये लिखोगे आप परिधीय उपकरण जैसे, तो इसको ब्लैक पेन से लिखा तो इसको अंडरलाइन कर दिया, या इसको ब्लू पेन से लिखना और इसको अंडरलाइन कर देना, जैसे आपको बेस्ट लगे। या आप किसी और कलर को यूज़ करना चाहते हो, कलर से लिख रहे हो तो कलर्स का यूज़ करके भी लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर रखा है मैंने, इनपुट क्या होता है, हमारा इनपुट उपकरण या इनपुट डिवाइस जिसे बोल सकते हैं, वो क्या होता है वो एक्सप्लेन कर रखा है। और यहाँ पे फिर उसके बाद मैंने कीबोर्ड, इनपुट डिवाइस में हमारा कीबोर्ड जो है, सबसे पहले कीबोर्ड को यूज़ करा है, तो यहाँ पे कीबोर्ड को मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। आप कीबोर्ड को ब्लू पेन से लिख लेना है, अंडरलाइन कर लेना है किसी और कलर से, जैसे भी आपको सुटेबल लगे। तो यहाँ पे कीबोर्ड का एक्सप्लेन कर रखा है, और यहाँ पे इसकी पिक्चर मैंने लगा रखी है, तो ये पिक्चर आपको थोड़ी छोटी सी दिख रही होगी, तो या तो आप ये डाउनलोड करके अपनी साइड से लगा लेना, या फिर एक काम करना, मैं आपको ये सारे पिक्चर्स जो है जितनी भी इसमें पेस्ट होनी है वो इनका PDF बना के आपको एक अवेलेबल करवा दूँगा, आप सिंपल उनको पेस्ट कर लेना, ठीक है। तो ये भी आपके लिए सुटेबल रहेगा, जहाँ तक हो सके आप खुद ट्राई करना मेरे
मेरी ज़रूरत ना पड़े, आप खुद डाउनलोड कर लो तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि आपको भी पता है आपके पास टाइम कम है, और ऊपर से अदर सब्जेक्ट की भी अभी PDF बनाने हैं, अदर सब्जेक्ट की भी प्रैक्टिकल फाइल्स लानी है, आपकी क्लासेस चलानी है, तो उन क्लासेस को चलाने के लिए मेरे को पहले उनके PDF अवेलेबल नोट्स तैयार करने पड़ेंगे, उस नोट्स को तैयार करके फिर आपकी क्लासेस करवानी होंगी, सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा, हमारे पास टाइम भी कम है। तो यहाँ पर आप देखो माउस को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है, तो माउस की पिक्चर लगा लेनी है आपको, मैं बता दे रहा हूँ वैसे वैसे कर लेना। लाइट पेन लिखा, लाइट पेन के आप गूगल पे सर्च मारोगे सारी इमेजेस मिलेगी, और वहाँ से आपको एक या तो साइबर कैफ़े पे चले जाना, वो निकाल के दे देगा आपको, या फिर आप एक चीज़ और कर सकते हो, उन सबको एक पेज पे खुद पेस्ट करके उसके बाद लगा सकते हो और निकाल सकते हो वर्ड का, अगर आपके पास लैपटॉप वगैरह है तो ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हमारा आ गया ऑप्टिकल स्कैनर, इसकी पिक्चर लगा देनी है आपको, स्क्रीन टच पैनल हो गया, स्क्रीन टच हो गया ये हमारा, ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद हमारी आउटपुट डिवाइस स्टार्ट हो जाती है, आउटपुट उपकरण, ठीक है। यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है इनको भी, इसको एक्सप्लेन करके सबसे पहले हमारा मोनीटर दे रखा है, मोनीटर की पिक्चर लगा लेना, CRT और LCD दोनों टाइप के मोनीटर की पिक्चर्स लगा लेनी है आपको। उसके बाद प्रिंटर है, प्रिंटर के आपको एक ही टाइप का कोई सा भी प्रिंटर लगा लेना, क्योंकि इसमें इतना एक्सप्लेन नहीं कर रखा मैंने, जस्ट उसके टाइप बता रखे हैं मैंने, ठीक है। इसके बाद आ जाता है हमारा प्लॉटर, प्लॉटर क्या होता है, प्लॉटर हमारा बेसिकली, मैंने देखो चैप्टर ये वाला करवा भी रखा है आपको तो आता होगा, अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखी है तो देख लेना। डाटा एंट्री की क्लास हम दोबारा स्टार्ट करने वाले हैं एक दो दिन में, आपको व्हाट्सअप ग्रुप में अगर आप हमारे ज्वाइन हो तो वहाँ पर आपको मैसेज मिल जाएगा। तो यहाँ पर प्लॉटर को एक्सप्लेन कर रखा है। इसके बाद हमारा स्पीकर आ जाता है, इसके बाद हमारा सॉफ्टवेयर आ गया, सॉफ्टवेयर को एक्सप्लेन कर रखा है। सॉफ्टवेयर एक्सप्लेन करने के बाद देखो ये डायग्राम जैसा आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ये डायग्राम आपको अपने वाइट वाली साइड पे बना लेना है, ये जितने भी पिक्चर्स वगैरह वो सारी की सारी हमारी वाइट साइड ही चलेंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कंप्यूटर की भाषाएँ, अब भाषाएँ जो है लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज उनको एक्सप्लेन कर रखा है। यहाँ पर लिख लेना है, ये मैं जूम कर दे रहा हूँ, अगर स्क्रीनशॉट मार के लिखना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट मार के लिख लेना। तो यहाँ पे हमारे फर्स्ट वाला एक्सपेरिमेंट पूरा हो गया, सेकंड वाला करते हैं अब हम। सेकंड वाला शॉर्ट है हमारा, ज़्यादा लंबा नहीं होगा, ज़्यादा लेंदी नहीं होगा। इसमें आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की पिक्चर्स लगा लेनी है, अगर आपने TMA बनाया होगा तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम की पिक्चर्स जो है आपको मिल जाएंगी, तो वहाँ से जाके आप लगा सकते हो निकाल के, इतना ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम को पहले एक्सप्लेन कर रखा है, उसके बाद ये उद्देश्य क्या है इसका मेन वो लिख दिया हमने। इसके बाद यहाँ पे विंडोज़ XP आपको ब्लू पेन से लिखना है पूरा का पूरा, ये अंडरलाइन कर लेना जो अंडरलाइन करा मैंने, जैसे जैसे करा सेम टू सेम वैसे ही करना है आपको। ब्लैक वाला पोर्शन जितना भी है आपको सारा का सारा आपको ब्लू पेन से लिखना है, ठीक है, और अंडरलाइन को अंडरलाइन कर देना। यहाँ पे देखो इसको मैंने थोड़ा सा बोल्ड करके फिर अंडरलाइन कर रखा है, इसको चाहे तो आप किसी और पेन से लिख लेना, या रेड वाला जो है जितना भी रेड वाला हिस्सा है हमारा, जितना भी मैंने रेड पेन से लिखा हुआ है रेड कलर से, तो उनको आप क्या करना, सिंपल ब्लैक पेन से लिखना और अंडरलाइन कर देना, उससे क्या वो थोड़ा सा अलग दिखेगा ये, ठीक है, हेडिंग अलग दिखनी चाहिए थोड़ा सा। उसके बाद प्रोग्राम शुरू करना, ये सारी चीज़ें दे दी है यहाँ पे, और फटाफट कंप्लीट करवा रहा हूँ मैं, देखो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, आपके पास भी ज़्यादा टाइम नहीं है, मेरे पास भी ज़्यादा टाइम नहीं है, वैसे ही बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो चुका है। इसके बाद ये सारा का सारा आपका आ जाएगा प्रोग्राम इंस्टॉल करना, और ये जो है हमारा ये सारा का सारा आपका ब्लू पेन से आएगा, ये वाली जो चीज़ है ये आपका ब्लैक पेन से आएगा, ठीक है। तो आपको जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे कर लेना। अब हमारा प्रैक्टिकल 3 आ गया, और उसमें मैंने पिक्चर्स नहीं लगाई है, और मैंने बता दिया आपको कौन सी पिक्चर लगानी है, तो वो लगा लेना। और अब यहाँ पे आपको आ जाता है थर्ड वाला हमारा एक्सपेरिमेंट, थर्ड प्रैक्टिकल हमारा वर्ड प्रोसेसिंग के मूलभूत तथ्य। तो देखो यहाँ पे पूरा पूरा एक्सप्लेन कर रखा है, अलग कलर से लिखना चाहते हो इन दोनों को, जैसे यहाँ पे मैंने इसको रेड से लिखा है, इसको ब्लू से, अगर आप भी ऐसे लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये प्रैक्टिकल हमारा, बस आपको ध्यान रखना है रेड कलर और ग्रीन कलर का यूज़ नहीं करना, बाकी आप कोई सा भी कलर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि देखो रेड कलर हमारा टीचर के लिए होता है और ग्रीन कलर जो होता है वो प्रिंसिपल के लिए होता है, तो ये दोनों कलर आपको यूज़ नहीं करना, बाकी आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे देखो ये सारी की सारी हेडिंग बना रखी है, आराम आराम से स्क्रॉल कर रहे हो। अगर आप स्क्रीनशॉट, जैसे आप कोई कोई बच्चा है जो टेलीग्राम यूज़ नहीं करता है, तो वो क्या कर सकता है, आप जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मैसेज कर सकते हो, आपको वहाँ पे मिल सकता है, या फिर अगर आप स्क्रीनशॉट मारना चाहते हो स्क्रीनशॉट भी मार सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी।
अब देखो यहाँ पे मैंने एरो बना रखे हैं, तो ये देखो ये एरो का ना मैंने फ़ोन से मैंने बताया फ़ोन से बनाया, तो ये एरो आपको खुद ऐसे पेन से इस टाइप से बना लेना है, ठीक है। जहाँ ये एरो वाला इमोजी लगा हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पर आपको इस टाइप से एरो बनाने हैं, ये चीज़ ध्यान रखनी है। और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है एडुसेंटर दिल्ली करके, एडुसेंटर दिल्ली डालोगे आप तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा, बिना स्पेस दिए, ना कोई डॉट वगैरह कुछ नहीं लगाना, सिंपल आपको ये लिखना है, आपको मिल जाएगा। आप मुझे पर्सनली भी फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कुछ भी डाउट हो, कोई भी डाउट हो, आप हमसे मैसेज कर सकते हो, आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहता हूँ मैं, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो, इतनी जल्दी किसी के रिप्लाई नहीं आते होंगे, किसी भी अदर चैनल वगैरह के नहीं आते होंगे जितनी फास्ट मैं रिप्लाई करता हूँ। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पर इसको एक्सप्लेन कर रखा है, ये सारा आपको लिख लेना है, ठीक है, मैंने बताया। अब यह कुछ शॉर्टकट थे, यहाँ पे दिख नहीं रहे होंगे, मैंने सारे तो नहीं लिखे लेकिन थोड़े बहुत लिखे हैं, ये सारे आप अगर और भी लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखो। तो ये आपको सारे के सारे कुछ इस टाइप से लिख लेना है, ठीक है। ये आपको मैं इंग्लिश में अवेलेबल करवा दूँगा, तो आपको ये अगर वैसे लिखना चाहते हो तो लिख लेना। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा फोर्थ, टोटल 6 प्रैक्टिकल कर रखे हमने, 6 प्रैक्टिकल है इसमें। अब यहाँ पे आ जाता है हमारा मेल मर्ज, तो ये मेल मर्ज को मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, इससे रिलेटेड आप पिक्चर लगाना चाहते हो पिक्चर लगा लेना, गूगल पे सर्च मारोगे तो आपको मिल जाएगा, मेल मर्ज सर्च मारना आपको मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं, आप आराम आराम से स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, देख लेना, स्क्रीनशॉट मार लेना, जहाँ मेरे को पता है कि बताना है आपको वहाँ मैं ज़रूर बताऊँगा आपको कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और ये आपका चलता रहेगा, यहाँ पे शायद मैंने थोड़ा फास्ट स्क्रॉल कर दिया, अब आराम से स्क्रॉल कर दे रहा हूँ ताकि स्क्रीनशॉट मारने वाले स्क्रीनशॉट मार सके। चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस भी मैं लाने वाला हूँ बहुत जल्द, कुछ दिनों में स्टार्ट हो जाएगी, मे बी इस मंथ के एंड से आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि अब हमारे पास इतना टाइम नहीं बचेगा और आपके पास भी नहीं है, तो फटाफट इस वीडियो को शेयर कर देना। PDF भी आपको फ्री में मिल रहा है, एक तो कहीं और आपको फ्री में कोई सा भी, अभी तक मैंने TMA भी जितने भी TMA आपको प्रोवाइड करवाए सारे फ्री में प्रोवाइड करवाए, किसी और चैनल पे आपको फ्री में नहीं मिलेगा। ये हमारा 5th प्रैक्टिकल आ गया, फार्मूला फंक्शन और चार्ट्स, जहाँ पे भी आप जाओगे लेने वहाँ पे आपको पे करना पड़ेगा इसके लिए कुछ ना कुछ, चाहे थोड़ा बहुत ही सही लेकिन आपको पे करना पड़ता है, लेकिन मैं आपको फ्री में अवेलेबल करवा रहा हूँ और आगे भी अवेलेबल करवाता रहूँगा बिल्कुल फ्री में। अगर इन केस इन फ्यूचर अगर मैं कोई टीचर वगैरह रखता हूँ तो उसकी बात अलग है, क्योंकि वो टीचर अपने चार्ज लेगा, मैं जितने सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा उसके लिए मैं आपको कभी भी कोई भी चार्ज नहीं करूँगा, क्योंकि देखो आपको भी बता रखा है मैंने सारे सब्जेक्ट मैं नहीं पढ़ाता। अभी हमारा आ गया नेक्स्ट प्रेजेंटेशन 6 एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो जैसे कुछ सब्जेक्ट है जैसे मैं नहीं पढ़ाता 12th क्लास वालों को, यहाँ पे प्रेजेंटेशन को एक्सप्लेन कर रखा है मैंने। अब देखो यहाँ पे प्रेजेंटेशन की मैंने MS पावर पॉइंट की पिक्चर लगा रखी है, वो बहुत छोटी सी है, दिख भी नहीं रही होगी शायद से, जूम करूँ कितना भी जूम कर लूँ नहीं दिख रही होगी आपको ढंग से। हाँ, तो मैं बता रहा था आपको जैसे अब 12th क्लास के की क्लासेस होगी, जैसे फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, इनकेस इन फ्यूचर मैं अगर टीचर अवेलेबल करवाता हूँ उसकी क्लासेस के लिए, तो हो सकता है आपको उसके लिए पे करना पड़े नोट्स वगैरह के लिए, क्योंकि वो टीचर अपने चार्जेस तो लेगा ही, लेकिन जो मैं पढ़ाऊँगा उसके लिए आपको कोई किसी भी टाइप का कोई भी चार्ज आपको पे नहीं करना होगा, ठीक है। उसके लिए आपको निश्चिंत रहना, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, मेरी तरफ से आपको हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहूँगा। और यहाँ पे आपका पूरा का पूरा जितने भी प्रैक्टिकल थे हमारे ख़त्म हो गए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना और कमेंट भी करना कि वीडियो कितनी हेल्पफुल रही आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, हैव अ नाइस डे।